9934 into 1, 2, 3, 4, 5, minus 1. 0.038895. आप कैसे करोगे 5000 × 0.066666 तो सी का आंसर 855.79 यानी 80 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू 856 रुपीज। कितना दिया आंसर? वो लोग देते रहेंगे, वो लोग को उम्मीद से दुश्मनी है। सो EMI इक्वल टू हो जाएगा 856 रुपीज, यानी हर महीने का 856 उसको देना पड़ेगा। पहले जैसे की बुरा तो प्राइस अगर टीवी दिया था, अगर डाउन पेमेंट दिया तो माइनस करते उसमें से, नहीं दिया तो अगर रेट दिया तो निकाल दो। एन का नहीं कर, क्योंकि एन ऑलरेडी मंथ में है और बाकी ये तो पहले किए थे। और ये तो रमेश सर टेक द लोन ऑफ 1,20,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 8 months। कंप्यूट द EMI एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन द रेड्यूसिंग बैलेंस। इन दिस एग्जाम में कितना लोन लिए, लोन का अमाउंट हो गया प्रोजेक्ट वर्क 1,20,000 का लोन ले लिए। टाइम कितना है? 8 महीना। टाइम मंथ में ऑलरेडी पहले से दे दिया। रेट कितना है? 12% बनी। तो आई आर का निकालना पड़ेगा, 12/1% बराबर आई इक्वल टू 1/100। हम लोग को क्या चाहिए? EMI पे बोलते हो छी। पहले क्या करूं? बी निकालेंगे 1/1 + i 1/1 = 0.01 1/1.01 0.99099 भी आ रहा है तो 1 कर लो। तो रीड करना है तो 99009 है। अब क्या करें? यूनिवर्स इक्वल टू C/I कितना? यूनिवर्स 120। क्या करेंगे? 0.9901 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माइनस 1 0.07651 1,20,000 × 0.01 डिवाइड बाय 0.07651 सी क्वार्टर का 15,684.2 ज्यादा नहीं आ रहा है 15,684.2 बराबर किया गया उन्होंने 1,20,000 × 2.01 डिवाइड बाय 0.07651 कितना भाई? 1,5684.2 बराबर है 15,684 रुपये। कितना दिया था पे? 15,84 कभी कभी ज्यादा कभी कम कभी 4,000 ज्यादा हो दो। ये हो गया आपका EMI का। पॉज कर दो। मिस्टर सिन्हा वांट टू टेक अ लोन अप विद 2 lakh। सिन्हा साहब को 2 lakh का लोन चाहिए टू बी रीपेड इन द 3 years और 3 साल के बाद वो देंगे। बैंक एक्स ऑफर हिम अ लोन 10% पर एनम फ्लैट इंटरेस्ट रेट
फ्लैट इंटरेस्ट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट, फ्लैट इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट, एंड द बैंक ऑफर हिम द लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन अ मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस कंप्राइजिंग द ईएमआई, डिसाइड विच ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। मींस सीना को 2 लाख रुपए लोन चाहिए था 3 साल के लिए, तो 2 अलग बैंक से उसने पता लगाया, तो पहला बैंक जो है वो बोला 10% इंटरेस्ट रेट लूंगा लेकिन फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट मतलब अरे सिंपल इंटरेस्ट रेट से साल भर पूरा 10% ही रेट रहेगा मेरा। और दूसरा बोल रहा है वाई ऑफर थिंग द लोन 12% मंथली रिड्यूसिंग, वाई बोल रहा है मैं 12% लूंगा लेकिन मंथली वाला जो है ईएमआई है, तो बताओ दोनों का ईएमआई निकालो और देखो कि कौन सा उसको ऑफर एक्सेप्ट करेगा, तो जिसमें कम ईएमआई पड़ता रहेगा वो चूज करेगा। कितना लोन लिया है? 1 वर्ष है 2 लाख, ठीक है 2 लाख रुपए। टाइम कितना है? 3 इयर्स। ओके, फ्लैट रेट कितना है एक्स बैंक का? एक्स बैंक फ्लैट रेट 10%, 10% पर एनम। और दूसरा वाई बैंक जो है वो रिड्यूसिंग रेट, रिड्यूसिंग रेट बोला 12%। ओके, पहले लोग एक्स बैंक का देखते हैं, जब एक्स बैंक का करना रहेगा तो एक एन दिया 3 इयर्स और आर दिया तो उसको आई कर दो 10/100, 0.1। तो पहले आप इंटरेस्ट निकालो सिंपल इंटरेस्ट, पी है 2 लाख रुपए 3 साल और 0.1 8000। अब पहले ए निकालो, ए कैसे आएगा? पी प्लस एस आई 2 लाख और 60 हजार, तो 2 लाख 60 हजार। ओके, अभी 2 लाख 60 हजार कितने साल में देना है? 3 साल में देना है। ओके, तो नंबर ऑफ मंथ निकालो, नंबर ऑफ मंथ 3 इयर्स × 12 36। ईएमआई निकालना मेरे को, तो ईएमआई आ गया 2 लाख 60 हजार 36, 2 लाख 60 / 36 7,222.222। यानी बैंक एक्स का अगर लोन लेता हूँ तो मुझे 7,222 रुपए हर महीने भरने पड़ेंगे। तो फ्लैट रेट में क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ऐड करके बाद में जितना महीना से डिवाइड कर। ओके, और दूसरा बोला रिड्यूसिंग मैनेज मेथड, जो जैसा कर रहे हैं वैसा करेंगे अभी। वाई बैंक, और वाई बैंक करना है तो कैसे करेंगे? 12% रेट, तो पहले क्या करो आर 12/12 ठीक है, कि वो पर एनम है ना, तो उसको मंथली कन्वर्ट करने आ, तो आई इक्वल टू 1/100, बी इक्वल टू 1/1+i 1+0.01 तो 0.9907 सॉरी 01 है ना ये 1/1.01 9901 और एन कितना 36 मंथ है, तो प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू सी 1 - V/N / 1 - 0.9901 / 36 / 0.01 क्या 26 कर लिया? नहीं, 6 × 6 करेंगे।
हाँ ऐसा कर सकते हैं या फिर आप तो बोले कि मैं 35 बार खेलूंगी फिर नहीं देना को 01 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब माइनस 1 0.30105 और वर्ष कितना था 1,02,00,000 क्या करेंगे तुम्हारा इंटू 0.30105 इक्वल आ गया 6643.41 जो पहला इंस्टॉलमेंट था उसके हिसाब से 7,222 रुपए देना पड़ रहा है, दूसरा बैंक के हिसाब से खाली 6,643 रुपए देना पड़ रहा है, तो कौन सा बैंक का कम पड़ रहा है? सिंस द ईएमआई ऑफ सेकंड बैंक इज लेस, तो कौन सा उसको ऑफर सेलेक्ट करना चाहिए? सेकंड बैंक। सिंस ईएमआई ऑफ वाई बैंक इज लेस, हेंस ही शुड टेक लोन फ्रॉम सेकंड बैंक। एक्स बैंक में जो था उसका ईएमआई पड़ रहा 7,222 रुपए, दूसरे बैंक में ईएमआई पड़ रहा खाली 6,643 रुपए। आंसर पहला कर दिया 7,000, दूसरे का भी दिया बराबर है। स्वाहा